हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोनू। मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि लक्ष्मी की कृपा के लिए आप इस दीपावली पर क्या करें। तो लक्ष्मी की कृपा हेतु आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप भी ये करेंगे तो साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आप पर माँ लक्ष्मी जी खुश रहें, और तो आप नरक चतुर्दशी को सफाई के बाद घर में एक झाड़ू को लेकर आएं और अपनी पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक दें। दीपावली वाले दिन बाजार से जो नई झाड़ू आप खरीद कर लाएंगे, दिवाली पूजन से पहले पूजन स्थान पर उस नई झाड़ू से सफाई करें, और पूजा का काम निपटाने के बाद अगले दिन सूर्योदय से पूर्व घर में नई झाड़ू जो आप लेकर आए थे उसे पूरे घर में लगाएं और कचरा बाहर फेंक दें। पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पर बनी रहेगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो छिपकली से लोगों को बहुत घृणा आती है, पर इसमें एक तर्क और भी है कि अगर आपको धनतेरस के दिन छिपकली के दर्शन हो जाएं तो पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी आपको कभी धन की कमी नहीं आने देती। दूसरा एक उपाय मैं आपको और बताने जाऊँगी, दिवाली के दिन अगर आप महायंत्र यानी कि श्री यंत्र की विधि विधान से अगर पूजा कर लेते हैं तो खूब धन संपत्ति आपको मिलती रहेगी। और अगर महामंत्र के बजाय अगर आप जो लक्ष्मी यंत्र के बजाय अगर आप श्री कुबेर यंत्र की भी स्थापना करना चाहते हैं तो इस यंत्र की भी आप रोज़ पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा में माँ लक्ष्मी को अगर आप पुए का भोग लगाते हैं और उसके बाद आप उन्हें गरीबों में बांटते हैं तो जिन लोगों को कर्ज की समस्या है उनको वो भी नहीं रहेगी। दिवाली के दिन पानी भरने वाला घड़ा जरूर लेकर आएं और उसे भरकर अपने रसोई घर में कपड़े से ढककर रख दें। घर में हमेशा सुख समृद्धि आपको बनी रहेगी। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद शंख और डमरू ज़रूर बजाएं। ऐसा करने से गरीबी चली जाती है और माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करती हैं। तो ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स जो आप भी इस दिवाली आजमा कर अपने घर में सुख शांति धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में भी आपको मिलती रहूँगी कुछ नई जानकारियाँ लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।